हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ आर्निका शैम्पू के रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैंने तीन कंपनियों के आर्निका शैम्पू के रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया है। आर्निका बहुत ही इफेक्टिव होता है हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, डैंड्रफ हो गए, इन सारी कंडीशंस में आर्निका बहुत ही अच्छा काम करता है, हेयर्स को एक तरीके से रिजनोवेट करता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने तीन कंपनियों के आर्निका शैम्पू के बारे में डिफरेंस बताया है, उनके कंपोजिशन के बारे में बताया है और रिव्यू शेयर किया है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शैम्पू जिसके बारे में आपको बता रही हूँ वो है स्वाबे इंडिया का बोरिक एंड टफल यानी BNT आर्निका शैम्पू। बहुत ही इफेक्टिव होता है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है, आप में हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो उन केसेस में बहुत इफेक्टिव होता है। अगर इसके कंपोजिशंस की बात करें तो इसमें आर्निका तो है ही, साथ ही इसमें जबोरेंडी और सेल्विया भी है। जबोरेंडी बहुत इफेक्टिव होता है हेयर्स के लिए, हेयर कलर के लिए, हेयर के नरिशमेंट के लिए, ग्रेइंग ऑफ हेयर के लिए। साथ में सेल्विया जो होती है वो स्पेसिफिक ड्रग है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए, यानी आपको प्रीमैच्योरली ग्रे हो रहे हैं, बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये शैम्पू ओवरऑल बहुत अच्छा काम करता है। वीक में इसको 2 से 3 बार अगर आप यूज करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये 200 ml में भी आता है और 150 ml में भी आता है। 150 ml का प्राइस होता है 115 rupees यानी 115 rupees ही होता है इसका प्राइस, और आपको ये सेल में 90 to 95 rupees में भी मिल सकता है। दूसरा है SBL का आर्निका शैम्पू विद कंडीशनर, बहुत ही इफेक्टिव शैम्पू होता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। आर्निका के फ़ायदे तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, आर्निका के साथ साथ इसमें जबोरेंडी, कैलेंडुला और थूजा भी मिक्स होते हैं। जबोरेंडी बहुत ही इफेक्टिव होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, बालों को नरिश करता है, ग्रेइंग से बचाता है। कैलेंडुला की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, स्कैल्प को क्लीन रखने में काम करता है, साथ में स्कैल्प को नरिश भी करता है। और थूजा बहुत ही इफेक्टिव होती है अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, थूजा डैंड्रफ को दूर करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो ये सारे कंपोजिशन मिलके इस शैम्पू को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर है, या फिर आपको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इन सारे केसेस में आपको बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आपके हेयर बहुत ड्राई हो गए हैं, उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं रहेगी है, तो आप ये शैम्पू यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये सैसेट में भी आता है और 200 ml के पैकेजिंग में भी आता है। सैसेट में 8 ml होता है और वो 3 rupees का आता है, और 200 ml का प्राइस होता है 152 rupees, जो सेल में आपको 140 rupees तक मिल सकता है। तीसरा जो शैम्पू है वो बैक्सन्स का सनी आर्निका शैम्पू, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें आर्निका के साथ साथ चाइना होता है, कैलेंडुला होता है और कैंथेरिस होता है, तीनों ही हेयर्स के ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल को कम करते हैं और डैंड्रफ भी कम करते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो ये 150 ml के पैकेजिंग में आता है, इसका प्राइस होता है 149 rupees। अगर आपका स्कैल्प जो है बहुत ऑयली ग्रीजी सा फील होता है, आपके बाल जो है बहुत डैमेज होते जा रहे हैं, आपने कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ किया या फिर आपने कुछ स्मूदनिंग वगैरह करा, इसके बाद आपके बाल बहुत डैमेज होते जा रहे हैं, तो इस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 different कंपनियों के आर्निका शैम्पू के बारे में बात किया, तीनों ही बहुत इफेक्टिव होते हैं। आप अपने कॉन्सर्न के हिसाब से कोई सा भी शैम्पू चूज कर सकते हैं और आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये शैम्पू आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएंगे या फिर आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया था, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो से रिलेटेड या किसी और डिजीज या मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगी सबको आंसर कर सकूँ। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे आपके मोटिवेशन की नीड रहती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए,
जितना ही लाइक्स आएंगे उतना ही मैं मोटिवेटेड होंगी और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए बनाऊंगी। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे रील्स हेल्थ रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स सब शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।